बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज हम एक और डिश के साथ आए हैं। ये मैंने मछली ली है कटाकट बनाने के लिए। इसके लिए मैंने तवे पे घी डाल दिया है। अब आगे का काम हम करेंगे। इसको हमने तवे पे ही फ्राई करना है। ये दो लोगों के लिए बहुत है। तो थोड़ी देर इसको फ्राई करके फिर हमने इसको कवर कर देना है तो ये दाल से भी अच्छे से पक जाएगी। हमने इसके कांटे अलग कर लेने। इसमें इतना कांटा छोटा कांटा नहीं होता, बस एक बड़ा कांटा होता है, वो आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, ये इसके कांटे जो बहुत आसानी के साथ आ गए। बहुत बारीक कांटे नहीं होते। कटाकट बनाने के लिए मछली के इंतखाब करते हो, ये चीज आप लाजमी देखा करें कि जिसमें बारीक कांटे नहीं हों। सारे कांटे मैंने साइड पे रख लेंगे। मछली को हमने साइड पे कर लेना है। अब हमने इसमें डालने हैं प्याज जो कि बारीक काटे हुए हैं, और इसमें साथ ही है लहसुन। थोड़ा सा ऑयल हम और डालेंगे इसमें। प्याज लहसुन को हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, साइड से हमने मछली को भी पलटते रहना है साथ साथ। इसमें डालेंगे टमाटर, दो टमाटर हैं पीसे हुए। मछली को भी हमने साइड पे रखना है लेकिन साथ पलटते रहना। Thank you.
पहले हमने मछली में कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ मछली को नमक लगा के और सिरका लगा के धोया था। अब हमने इसमें हमने पाई आधे करना चाहिए। नमक आप ऐसे जायका लें, मैं आधी चम्मच ले रही हूँ। ये लाल कुकड़ी मिर्चें 1 टीस्पून, बाकी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जीरा 1 टीस्पून, अजवाइन ये भी हमने 1/2 टीस्पून लिया, ये पीछे से लिया खाली। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स, साथ में हम अपनी मछली को भी मिला लेंगे। अच्छा ये देखें, ये सारी चीजें अच्छे से फ्राई हो गए, इसका मतलब ये है कि हमारी मछली अब तैयार है। फटाफट हमारा तैयार है। अब हमने इसमें आपी आपी जो काम करने हैं वो करने हैं। हमने कटी बारीक हरी मिर्चें डालनी है और हरा धनिया डालना है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर आखिर में हम हरा धनिया डालेंगे। ये खाने के लिए हमने बारीक कटी हुई हरे धनिया डाल देनी है और हल्का सा हमने इसको भी मिक्स कर लेना है। फिर आप इसे चाहे चपाती के साथ खाएं या चावलों के साथ, चाहे तो चम्मच के साथ भी खाएं, लेकिन आपने बताना जरूर है कि आपको कैसी लगी। आपने बनाना है, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।